आवाज़ हमेशा ही उठाती हो तो ये काम आपके हाथों हो जाए तो थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं प्रयास करती हूँ, मैं कल आती हूँ फिर मिलने। तो जयपाल जी बोले ठीक है जी। उस समय मेरे को सेक्रेटरी साहब मिले नहीं थे उस समय, फिर मैं गई हूँ सुबह सुबह, तब आए नहीं। मुझे 1 घंटा वेट मैंने किया, मैंने कहा चलो आ जाएंगे मिल के ही जाऊँगी। 1 घंटे बाद वो आए, फिर हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने सच में बहुत अच्छा बर्ताव उस समय हमारे साथ किया, कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि मैं रणदीप सुरजेवाला जी के साथ 10 साल काम की हूँ और 1 साल में सुहास बराला जी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। और बोले आपके बीजेपी के वर्कर तो थोड़े से ऐसे ही होते हैं, मैं उनको भगा देता हूँ। उन्होंने ये बात की आज ही जब मतलब सुबह आप आज सुबह जब मैं मिलने गई थी, मिलने गए। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, पार्टी वार्टी अलग जगह है, आप अपना आप मार्केट कमेटी का ये जो काम है आपको करना है, शेड वाला, किसानों के हित की बात करनी है, पार्टी की बात नहीं करनी। तो बोले ठीक है मैडम जी, आप ठीक अच्छा सोच रही हो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और बजट है और जेई को बुला लेते हैं। तो जेई को जैसे बुलाया तो उनका उनसे फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, वो कहीं गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो जेई को रहने दो, आप ही लिख लाएंगे, डायरी में नोट कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, वो बाद में जाके निरीक्षण कर लेंगे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए, एक एक चीज़ डायरी में नोट हुई, बीजेपी कार्यकर्ता मेरे साथ थे, 4-5 गाड़ियाँ थी मेरे साथ जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता थे। और उधर सेक्रेटरी एक मिनट जो रखूंगा, आपको इस बात का जवाब जो सभी को चाहिए था कि इन्होंने वहां पर गाड़ी में कुछ जो उनका कहना है कि कुछ गुंडों को साथ लेकर घूम रहे थे, सो इन्होंने जवाब दे दिया है कि भाई वहां पर मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सो मैम ये जवाब एक बार दोबारा बता दीजिए। वहाँ पे मेरे साथ बीजेपी के वर्कर थे जो काली रामन गांव से थे और चिकनवास से थे, मंडल अध्यक्ष के साथ थे 5-6 लोग, और दूसरे मंडल अध्यक्ष हैं बालसमंद मंडल के, क्योंकि बूस मंडी में जा रहे थे बालसमंद मंडल में, तो दो दो मंडल अध्यक्ष और उनके साथ 10-10 लोग हमेशा मौजूद रहते हैं मंडल अध्यक्षों के साथ। और जब भी मैं जाती हूँ विधानसभा में तो हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष साथ होते हैं, हर मंडल में उनकी जिम्मेदारी होती है जिस मंडल में भी जाएँ। तो बीजेपी वर्कर 4 गाड़ियों में थे हमारे साथ और आराम से हम लोग गए थे। और अगर वो गुंडा कहते हैं, अगर वो बीजेपी वर्कर इतने सीधे हैं उनको गुंडा कहते हैं तो वो क्या है? वो बार बार रणदीप सुरजेवाला की धमकी देते हैं कि रणदीप सुरजेवाला का मैं वर्कर हूँ और आपकी ऐसी तैसी करा दूंगा, तो वो उससे बड़ा गुंडा तो कोई नहीं है। लेकिन गुंडे को मतलब भी सबक सिखाने वाले लोग बैठे हैं तो ऐसे गुंडागर्दी चलेगी नहीं। मैम अभी अचानक ऐसा क्या हुआ? ये बात तो रही यहाँ से जाने की, आप वहां पहुंच भी गए, उन्होंने वहां बताया कि पहुंच गए, सो अचानक ऐसा क्या हुआ? सारा कुछ लिख लिया और मैंने उनकी तारीफ भी की। मैंने कहा जी सुल्तान जी आप बहुत अच्छे आदमी हो और आपने देखिए कितने इजीली सारी चीज़ें कर डाली, और जल्दी अगर बढ़ जाता है तो किसानों के हित की बात है, ये किसान को सुविधा हो जाएगी बालसमंद की मंडी में। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो मुझे बोले ये फ्लोर आप देखिए, इस फ्लोर का एक स्टेप उठा देते हैं। तब तक चाय बन चुकी थी वहाँ पर, चेयर जो थे उन्होंने चाय बनवा ली थी। मैंने सबको वर्कर्स को मैंने कहा तुम लोग चाय पी लो भाई, मैंने चाय छोड़ रखी, मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी आप लोग पी लो। और उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, मैंने वो मेरे को दिखाते दिखाते उस फ्लोर पर चले गए। फ्लोर पर जाते ही और उन्होंने कहा ये शेड पूरा यहाँ पर लगना है और ये चीज़ें होनी है। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो 2-4 वर्कर थे वो दूरी पे थे, वो मुझे कहने लगे अचानक कि आपकी जो ये कमलेश ढांडा है कैसे मिनिस्टर बनी है, मैं आपको बताता हूँ इनकी स्टोरी कि आपके बीजेपी में तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं और ये जो चेयरपर्सन है जो कृष्णा गहलोत जी, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन कृष्णा गहलोत जी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए, फिर कमलेश ढांडा जी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए। मैंने सुल्तान जी मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी मान रही थी, ये क्या बातचीत? बोले अरे आप समझते नहीं हो, आपको क्या ज़रूरत है बाहर धूप में घूमने की, क्यों धूप में कर रहे हो, आपको तो सब घर पे मिल जाएगा आराम से। तो मैंने कहा जी मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है, इस विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा है तो मेरे लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मुझे काम करना है, और आप ये गलत शब्द इस्तेमाल ना करें महिलाओं के बारे में। उसके बाद वो तैश में आ गए और उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट किया है, मेरे साथ अश्लील हरकत भी की उन्होंने और मुझे इतने गंदे शब्द उन्होंने कहे जो मैं कह नहीं सकती। और जो लोग भी सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला
किसी को ऐसे ही थप्पड़ नहीं मार देगी। मैंने आप में से किसी को थप्पड़ नहीं मारा, ये जो बैठे हैं मेरे साथ इनको थप्पड़ नहीं मारा, आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा। तो क्यों, मैं क्या उनसे मेरी कोई दुश्मनी थी? मैं तो पहली बार मिली थी आज उनसे, मैंने क्यों थप्पड़ मारा उनको? कोई तो वजह रही होगी, वो शब्द मैं बता नहीं सकती जिस वजह से मैंने उनको थप्पड़ मारा। उन्होंने मेरे साथ जो हरकत की उस वजह से मैंने उनको थप्पड़ मारा। और आपके घर की भी कोई महिला होगी ना, तो वो ज़रूर उसकी चप्पलों से धुलाई करेगी। आगे भी अगर कोई महिला खुददार महिला होगी तो ज़रूर चप्पलों से धुलाई करेगी, क्योंकि सहन नहीं कर सकता कोई भी इतने घटिया शब्द। क्या मैं राजनीति में हूँ तो गंदे शब्द सुनने के लिए हूँ क्या? मैं राजनीति में हूँ तो गंदे शब्द सुनने के लिए हूँ? उधर देखिए, बीजेपी का हर वर्कर, पूरा ज़िला मेरे साथ है, सब लोग घर पे आए और उन्होंने कहा बहन जी हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे। इस आदमी ने नाक में दम किया हुआ था, बीजेपी वर्कर को हमेशा इंसल्ट करता था। इन लोगों ने मुझे आके सारी बातें बताई, बोले ये आज की कहानी नहीं है। और एक बात और, जो लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं, जो कुलदीप बिश्नोई के सपोर्टर हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, जो कह रहे हैं गलत किया तो उसके बारे में मैं बता दूँ, 6 महीने पहले हांसी थाने में इसके खिलाफ एक महिला ने FIR करवाई अश्लील हरकत करने की। ये आदमी पहले भी ये हरकत कर चुका है, आज दूसरी बार मेरे साथ ये हरकत इसने की। 6 महीने पहले इनके खिलाफ FIR है हांसी थाने में, हांसी की एक महिला ने इनके खिलाफ FIR करवाई गई है। तो क्या कितनी महिलाएं बर्दाश्त करेगी? उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं बर्दाश्त करने वाले में नहीं हूँ। अब अगला इसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है। 2 करोड़ रुपए गबन का भी आरोप है और एक मामला दर्ज है हांसी में। तो भाई इसे जांच से शेयर करते हैं, मैम अपना पक्ष रख रही है, साथ में उसके खुलासे भी कर रही है। एक तो अपना पक्ष जो इनके साथ हुआ, इन्होंने वीडियो दी, और बाकी बातें भी करते रहेंगे, अभी जुड़े रहेंगे, तो शेयर करते रहेंगे ज्यादा। दूसरा, इसके खिलाफ 2 करोड़ रुपए के मामले का गबन है। 2 करोड़ रुपए इसने गबन किया है, यही मार्केट कमेटी का है, हिसार का। और ये अधिकारी होते हुए, सरकारी अधिकारी होते हुए, ये चुनाव में रणदीप सुरजेवाला का ऑफिस इंचार्ज रहा है, जींद में भी और पहले चुनाव में भी 2 बार। तो ये बार बार यही धमकी देता रहता है। तो क्या ऐसे इंसान को समाज में रहने का अधिकार है? और क्या इसको सरकारी नौकरी पे रहने का अधिकार है, ऐसे घटिया आदमी को जो लोगों को डील करता हो और महिलाओं को ऐसे अभद्र भाषा इस्तेमाल करता हो? ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? मैं एक महिला हो के मुझे दबना नहीं है किसी ने, ना मैं गलत करती ना मैं गलत सुनती। और मेरा मन किया उसको चप्पल से पीटने को, इसलिए पीट दिया। इसके लिए कोई भी सजा मिले मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो अगली बात है, उन्होंने लगातार कहा कि उससे पहले, आपके पीटने से पहले, आपके, उनका कहना है कि आपके गुंडों ने, आपके वर्कर्स ने उन्हें वहाँ पीटा। जैसे ही उसने ये शब्द बोले और मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप, तो मेरे साथ जो वर्कर खड़ा था उसने उसको मारना स्टार्ट किया, तो मैंने उसका हाथ रोका। मैंने कहा तुम नहीं मारोगे इसको, मैं चिल्लाई और मैंने उन लोगों को हटाया है, वीडियो में आ भी रहे। मैंने उसको 2 दिन थप्पड़ मारे उसमें, मैंने उनको चिल्ला चिल्ला गया तुम लोग नहीं मारोगे, इसने मुझे बोला है तो मैं, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मारा उसको। मतलब उनके, और उनका तीसरा आरोप है कि आपने तीसरी, जैसे एक बार पहली बार पीट लिया, फिर दूसरी बार आपने पीटा, तीसरी बार जो है आप बाहर जब उन्हें थाने के बाहर ले गए, आपने पिस्तौल लगाकर उसे कहा कि भैया लिख दे सारा माफीनामा कि मैंने ही बदतमीजी किया, बोला मैंने पिस्तौल के दबाव में वो सब लिख दिया, बंदूक के दबाव में। देखिए ये झूठ बोल रहा है, ये आगे की कहानी मैं बताती हूँ। फिर इसने जैसे थाने में गया, थाने के लोग आ गए थे, 2 पुलिस वाले आए और उसके साथ वो चला गया और हम भी साथ साथ चले गए। वहाँ पे थाना इंचार्ज रामचंद्र जी मिलते हैं हमें। रामचंद्र जी को मैंने कहा, रामचंद्र जी मैं एक रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। बोले ठीक है जी, आप बताइए क्या हुआ। तो मैंने सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट लिख लेते हैं। साथ में सुल्तान जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बहन जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आप जो करवाना चाहो, जो लिखवाना चाहो लिखवा लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मेरा मामला बाहर आ गया तो मुझे तकलीफ़ हो जाएगी। तो मैंने, उसने बार बार गिड़गिड़ाया, उसकी आंखों में आंसू भी देखे, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। मुझे लगा कि बात को नहीं ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इसीलिए मैंने उसको माफ़ करके मैं चली आई। और उसने थाना इंचार्ज के सामने लिखा कि मैंने
ये भाषा इस्तेमाल की, मैंने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, अश्लील हरकत की, सब लिखा उन्होंने। लिखने के बाद और वीडियो भी उन्होंने दिया, वीडियो में भी उन्होंने कबूल किया कि मैंने ये सब किया है। अगर तो मैं वो वीडियो है, अगर मैं गन पॉइंट पे उसको मैं अगर करवाती तो थाना इंचार्ज क्या कर रहे थे? थाना इंचार्ज भी तो थे वहाँ पे, और भी लोग थे, वर्कर भी थे, और उनके दो जो आप लोग इसमें से कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ। अगर मैंने गन पॉइंट पे उनसे लिखवाया तो उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी और उनके सुपरवाइजर ने क्यों साइन किया उस पर? उन्होंने साइन किया है, उनकी मर्जी से वो लिखा हुआ, उस आदमी ने गलत बोला, उसको कबूल किया और उसी पे। सुमन अब वैसे अचानक ऐसा क्या हुआ, इशारा आते ही वो बयान से पलट गए, आपको क्या लगता है राजनीति बन गई उसके बाद? आगे की बात भी मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग निकले थाने से, उन्होंने मेरे से कई बातें की, फिर बाद में बोले बहन जी आपका बहुत बड़ा दिल, आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने तो चलो गलती कर दी, मुझे लगा कि चल जाएगा सब, लेकिन आपने चलो मुझे माफ़ किया इस हरकत के लिए। आगे से मैं आपसे अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहता हूँ और हमेशा आपकी मदद करूँगा जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैंने भी उसको कहा ठीक है भाई साहब, अगर आप ऐसा आपका मन है तो बिल्कुल, मेरे मन में आपके प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है अभी। और ये सारी बातें हो गई थी, उसके बाद जब गाड़ी में बैठने लगे मैंने कहा आप चेयरमैन साहब के साथ निकल लो, मैं भी घर निकल लेती हूँ। तो वो जैसे ही बैठने लगे उसके बाद थाना इंचार्ज आए रामचंद्र जी, उन्होंने कहा मैडम जी एक बार आप इनको मत लेके जाओ, क्या पता आपके वर्कर और भड़क जाए, कोई इनको मारने लग जाए, कहीं कोई और घटना ना हो जाए, इनको यहीं छोड़ दो। मैंने कहा आपकी बात भी ठीक है, मतलब इन्होंने सारा ये कुछ गड़बड़ किया है, कोई भड़क गया कुछ हो गया ना तो पंगा मतलब ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए इनको आप यहीं रखो, बाद में भेज देना। तो वो वहाँ पे बैठ गए थे, लेकिन बाद में उनका क्या मन बदला, क्या अब उसको पुलिस वालों ने कहा है कि अपने सपोर्ट में अपनी प्रोटेक्शन में कुछ करो, या इसको अपने आप से कुछ हुआ है, ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ हुई है बाद में जो इसने अपने बयान बदले और मेरे ख़िलाफ़ मामला इसने दर्ज करवाया। और जब मैं बोल रही हूँ, इसने बोला था उसका वीडियो नहीं है कोई भी, क्योंकि उस समय कोई शूट नहीं कर रहा था, और जैसे ही बात बढ़ी तब लोगों ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, और उसमें आप लोग देख सकते हो शब्द, मैंने उसको हराम ज़्यादा कमीना ज़रूर कहा है, क्योंकि उसने घटिया चीज़ें जो बोली उसके लिए ये बहुत कम शब्द थे, मैंने ये ज़रूर कहा है। लेकिन मैंने ये भी कहा उसको कि ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने उसको कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी है, कहीं भी मेरा ये बयान नहीं है कि मैं तेरे को जान से मार डालूँगी, मैंने नहीं कही ये चीज़ें, क्योंकि कोई भी किसी को जान से मारने का अधिकार नहीं है, कानून उसको सजा देगा उसने जो किया है तो, और उसने जो किया उसके बाद मैंने जो किया, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी और उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, हमेशा यही करती हूँ, जो गलत है उसको गलत कहूँगी और जो ठीक है उसको ठीक कहूँगी। उसका व्यवहार पहले ठीक था और बहुत अच्छे से उसने बर्ताव किया, लेकिन उसने बीजेपी की महिलाओं पे जब टिप्पणी शुरू करती तब बात आगे बढ़ी, और उसने मेरे साथ अश्लीलता करने की कोशिश की तब बात आगे बढ़ी, तब मुझे उसको पीटना पड़ा। तो मैम जैसे कि वो बात अब अगली बात होती, उनको इशारा दे जाना क्या हो गया कि वो एकदम भड़क गए और मामला दोबारा उठा दिया, इसके पीछे आपको क्या लगता है? तो इशार आ रहे थे वो, पर थाना इंचार्ज ने कहा भी एक बार आप बैठ जाओ, आप लोग चले जाओ, थोड़ा मामला शांत हो जाएगा, आप अपने आप फिर बाद में चले जाएंगे। उसके बाद पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उनकी जाने। और मैं ये भी देखिए, उनकी गालियां निकाली हुई रिकॉर्डिंग बीजेपी वर्कर्स के पास है, हर एक नेता को गंदा बोलते उनकी रिकॉर्डिंग है हर जगह। अगर वो उतारू हो रहे ना इस मामले पे, तो हम लोग भी, हमारे पास प्रूफ है सारी चीज़ों के, हम प्रूफ लेके बैठे हुए हैं। जो लोग आज कह रहे हैं ना कि मैंने गलत किया, तो उन लोगों से बताना चाहती हूँ, आपके घर में भी बेटी है या बहन है, आपकी बहन बेटी को ऐसी गंदी चीज़ बोली जाती है तो क्या आप चुप बैठोगे, उसका मुंह नहीं तोड़ दोगे? जहाँ कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि सोनाली फोगाट को अरेस्ट करना चाहिए, मैं कुलदीप बिश्नोई से पूछती हूँ, अगर रेणुका जी को कोई आदमी, कोई सरकारी अधिकारी बोल दे तू किसी के साथ ये किया वो किया, मतलब मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, तो क्या आप उसको माफ़ कर दोगे, उसका मुंह नहीं तोड़ दोगे आप?
बात करते हैं, अपने पे बात आई जब तब बताना ना। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल आपका कहना है कि राजनीति शुरू हो चुकी है इस मैटर में? राजनीति बिल्कुल कर रहे हैं, वो हमेशा से दोस्त दिखाता आ रहा था रणदीप सुरजेवाला की, हर एक वर्कर को, कितने सारे लोगों को खड़ा कर दूं मैं, वो प्रूफ लेके आए ना, मैं तो प्रूफ देने को तैयार हूँ। सो अभी आप हिसार की जनता जो ये सोच रही है, जो उसका लास्ट क्वेश्चन है मैम, वो यही है कि आपने अपना कानून हाथ में क्यों लिया? अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी थी तो उस टाइम पुलिस वाले आपके आगे खड़े थे? देखिए यहाँ पे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि यदि किसी ने फालतू बकवास की तो उसे नंगा करके आदमपुर चौक पे जूतों की माला पहनाऊंगा, और धर्मपाल ढाका बुथनकला से लिख रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई मेरे सपोर्ट में आए हैं, ये एक महिला के मान सम्मान की बात नहीं, ये समाज की सारी महिलाओं के मान सम्मान की बात है। आज ये आदमी मुझे कह रहा है, 6 महीने पहले इसने अपने साले की वाइफ के साथ ऐसी गंदी हरकत की थी, उसने FIR करवाई। अच्छा, जो आसी में FIR हुई है, साले की वाइफ, इसके साले की वाइफ है वो। अच्छा। इसने ये दूसरी बार की है, क्या पता कितनी और हरकतें की होगी। आज तो मैंने इसको इसकी धुलाई कर दी तो ये मामला बाहर आ गया, कोई महिला बोले ना तो ये तो करता चला जाएगा। लोग मुझे कह रहे गुस्सा आपका काबू में नहीं है, दूसरी गुस्सा आपकी बहन के साथ होगा ना तो आपका भी गुस्सा काबू में नहीं रहेगा। आप अपनी बहन से पूछ के देखो, उसको गंदे शब्द बोले जाएंगे तो वो चप्पलों से धुलाई जरूर करेगी। सुना अभी वैसे कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपकी भी कोई गलती थी या सारी गलती उनकी थी? बिल्कुल सारी गलती उन्हीं की थी और उन्हीं से शुरुआत हुई, हम तो काम कर रहे थे अपना, हम गलती के, हम कहाँ गलती पे हैं। और महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी उठा सकती है और चप्पलों से धुलाई भी कर सकती है, ये उसका अधिकार है, कोई भी उसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। कैसे कह सकता है कोई, वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, चाहे वो घर से बाहर काम करे या घर के अंदर काम करे, कौन उसको हिदायत देने वाले आप कौन होते हैं? मैम एक बात उन्होंने कही कि आपने किस हक से, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कही कि आपने किस हक से उनसे आकर ये सारी बातें पूछी, आपका पद क्या है? उन्होंने लास्ट बात मुझसे मेरे इंटरव्यू में ये भी कही है, क्या कि आप किस हक से उनके पास आए और जाकर सारी बातें पूछी कि आप ये मार्केट कमेटी में क्या कर रहे हैं, तो आपका पद क्या है, वो आपका पद जानना चाहते हैं। अच्छा, अभी इस बात पे उतारू हो गया है क्या, क्या पद है? देखिए एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैंने चुनाव लड़ा था, मुझे भी लोगों ने वोट किया है और उन लोगों के हक के लिए मैं आवाज़ उठा सकती हूँ। मंडी में जो कारनामे चल रहे थे उसमें किसान परेशान था, कम से कम 100 लोगों के फ़ोन हमारे पास आए थे कल, और उसको उस समस्या से निजात पाने के लिए एक आम इंसान के नाते भी मैं आवाज़ उठा सकती हूँ। एक आम इंसान के नाते, किसान होने के नाते, मेरी ज़मीन भी आदमपुर हल्के में पड़ती, किसान होने के नाते भी मैं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से पूछ सकती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं इस मामले में। और एक आम आदमी के नाते ही मैं गई हूँ, चाहे मुझे आप कोई और पदों की बात छोड़ो, वो सरकारी अधिकारी है, सरकारी एम्प्लॉई है, क्यों नहीं, मतलब है किस लिए बैठा हुआ मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी बनके। और किसान की बात उसको सुननी पड़ेगी, चाहे वो अपने समस्याओं के लेके बात करे, चाहे कुछ और बात करे, अपने अनाज का उठान हो, चाहे उसका परचेज हो, कुछ भी हो, तो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को आप बता दें, हम तो इनको इतना सम्मान दिए हुए थे और वो आज हमसे पूछ रहा है, मैं किसान के नाते उससे मिलने गई थी। कुल मिलाकर आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, अभी आप क्या डिसाइड करने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सही और कौन गलत? लेकिन जितना मैडम का कहना है कि कुल मिलाकर कि गलत उन्होंने मेरे साथ बोला, तो किसी भी अगर महिला के साथ कोई गलत बोलता है तो उसे गुस्सा आना लाजमी है, उनके समर्थकों ने भी, उनके साथ जो भी होगा, अगर हम भी उनकी जगह खड़े तो शायद ये सब करते, जो इनका कहना। सो आगे क्या सच है और क्या झूठ है आपको गलत है कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी दोनों के अपने आरोप प्रत्यारोप देख लें। और मैम आप भी केस करने वाले हैं? बिल्कुल, हमने FIR अब दर्ज करवा दी है। ये जो कुछ लोग हैं मुझे मेरे इस पे फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट पे आए कि आपने सही किया, अगर किसी महिला के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार होता है तो उसको जूतों से धुलाई करनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का जो मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हैं। इसार के बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, BJP वर्कर्स का भी फ़ोन आया, महिला मोर्चे की बहनों का भी फ़ोन आया, सब लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। सो अभी आपने FIR करा दी? हाँ, FIR करवा दी, कंप्लेंट करवा दी, मतलब कंप्लेंट आपने कर दी। हाँ, सो किस, मतलब आपने क्या आरोप लगाया भाई अभद्र बोलने का? हाँ, इसका हमने आरोप यही लगाया जो इसने किया, अभद्र और अश्लील हरकत करने का हमने इस पर आरोप लगाया। सो
कंप्लेंट दोनों तरफ से हो चुकी है, बाकी अब पुलिस प्रशासन को डिसाइड करना है कौन सही कौन गलत। लेकिन आप भी दोनों इंटरव्यू देकर अंदाजा लगाएंगे, एक महिला अगर खुद कह रही है कि मुझसे इस तरह की बकवास हुई है, मुझसे इस तरह की बदतमीजी हुई है, तो इसमें तो मेरा मानना है जो भी साथ हो, चाहे आप मैं भी खड़े रोड पर चलते, अगर हम भी अगर किसी को महिला को छेड़ रहा है तो हम शायद थोड़ा गुस्सा हो ही जाते हैं। सो इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सब आपके सामने है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सही हो। ठीक है भाई, सारे भाई ब्राउन लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें, क्योंकि सोनाली फोगाट जी ने खुद सामने आकर हिसार में शायद पहले चैनल पर अभी आज के दिन बयान दिया है, तो इसे ज़्यादा शेयर करते हैं। बाय बाय। बिल्कुल आप लोगों ने सुना होगा, ये मुझे ही गलत नहीं बोला इसने, इसने कमरेड डांडा जी जो हरियाणा सरकार में मंत्री है उनको गलत बोला, कृष्णा गहलोत जी को गलत बोला, और किसी को क्या अधिकार है किसी के बारे में इतना गंदा बोलने का। और मेरे साथ जो हरकत इसने की वो मैं इस पर बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, उसने बहुत ही घटियापन पे वो उतर आया था, तो ऐसे आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो समाज में दूसरी महिलाओं को नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसे आदमी से नुकसान है महिलाओं को, और जैसे उसने अपने साले की वाइफ के साथ जो व्यवहार किया, उसने उसके खिलाफ़ जो परिवार का ही नहीं है, परिवार की महिलाओं ही उससे सुरक्षित नहीं है, तो हम बाहर की महिलाएँ क्या रही, उसकी महिलाओं के प्रति सोच ही घटिया है उस आदमी की। धन्यवाद सभी भाइयों का, जो सुनील ढाका भाई साहब, धर्मपाल ढाका भाई साहब, हरपाल ढाका भाई साहब, सब ने मुझे, आप लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो समाज पे एक कलंक है, ऐसे लोग जो इतनी गंदी हरकतें करती हैं, जो देखिए महिला होने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब किसी की सुनेगी, जितना पुरुष स्वतंत्र होके जीता है उतना ही स्वतंत्र होके जीने का अधिकार महिला को भी है, और महिला भी अपने हक की बात कर सकती है, वो भी स्वतंत्र होके काम कर सकती है, अगर उस पर कोई उंगली उठाता है, गंदे और भद्दे शब्द इस्तेमाल करता है, घटिया बोलता है उसको, और उसके साथ छेड़खानी करता है कोई, तो उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसके साथ तुरंत ऐसी धुलाई होनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में सबक ले और दूसरे महिलाओं के साथ ऐसी बात ना कर सके। आप लोग जिसने भी मुझे सपोर्ट किया उनका धन्यवाद है, और लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी बहन के साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या उसको फूलों की माला पहनाओगे क्या आप लोग, अगर आपकी बहन के साथ उसको कहता है वो खड़ा होके और ऐसा सुनने को मिले, आप तो शायद फूलों की माला पहना दो राजनीति करने के चक्कर में, जो लोग भी मुझे बुरा भला कह रहे हैं अभी, लेकिन वो बहन जो है वो नहीं पहनाएगी, वो जूतों की माला पहनाएगी और जूतों से धुलाई भी करेगी। वीर यादव, वीर यादव कितनी घटिया सोच है आपकी, वीर यादव आपके घर की महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो आप तब भी यही कहेंगे क्या वीर यादव, शर्म आने चाहिए, मतलब तुमने भी ऐसी हरकतें की होगी कहीं पे तभी ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहा है वीर यादव। बिल्कुल मनु फोगाट जी, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, और किस लिए डरना है, जो गलत होता है वो डरता है, और उसने जो चीज़ें बोली है अगर मैं गलत होती तो मैं चुपचाप बैठ जाती, मैं सोचती कि ये मामला बाहर ना आए और इसको दबा लेना चाहिए, मैं शांति से आ जाती, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपने रास्ते पे ठीक से हूँ और मैं अपना काम ठीक से करती हूँ, ईमानदारी से करती हूँ, और जो ये लोग मेरे बारे में या दूसरी महिलाओं के, पॉलिटिशियन महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, उनको सबक मिलना बहुत ज़रूरी था, और मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग
इस मामले को, आज का जो मामला हुआ उसको लेके सोचते होंगे कि ये महिला ऐसी है, ये तो मतलब इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो मैं आगे भी अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल करूँगी, मुझे नहीं है डर किसी का, बिल्कुल करूँगी, क्योंकि गंदा और भद्दा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं, जैसे कि सब लोग देख रहे हैं और मेरी बात सुन भी रहे हैं, तो मैं बार बार यही बात दोहरा रही हूँ, कि उस समय जो सिचुएशन थी, उसने जो शब्द बोले और जो उसने ये हरकत की, उसके बाद कोई भी महिला होती तो उसका मुंह तोड़ देती। हम लोग देखिए, मैं राजनीति में हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं और बहुत अच्छे मन से काम करते हैं, अच्छा लगता है अच्छे काम करना, लोगों के लिए काम करना, बड़े हौसले के साथ निकलते हैं। लेकिन जब इस तरह की बात आती है ना, इस तरह के लोग जो गंदे लोग समाज में कुछ है, वो इस तरह की बात बोलते हैं महिलाओं के लिए, कितनी नफरत हो जाती है आदमी के प्रति, कितनी घृणा होती है कि इस आदमी ने ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए। आप अपने आप ऊपर लगा के देखिए, अगर आपके ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम लगता है झूठा, झूठी बातें कही जाती हैं, तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उसने मुझे अकेले में ये सब चीज़ें कही, किसी के सामने नहीं कही, मैं चुप होके आ भी सकती थी वापस, कुछ बात ना बनती, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ, ना ही आज हुआ, ना ही कभी करूँगी, कभी नहीं करूँगी, हमेशा ऐसे ही जवाब दूँगी। कोई किसी को ऐसे ही बिना वजह नहीं मारता। क्या शौक था मुझे? मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं उसको चप्पल से मारूं या थप्पड़ मारूं, क्यों किसी को मैं परेशान करूं। लेकिन उस आदमी ने हरकत ऐसी की, उसने किसी औरत को नहीं छोड़ा, किसी औरत को भी गंदा बोले हुए, सारी जितनी पॉलिटिशियन उसके लिए मतलब गंदी गंदी बातें उसने बोली। तरुण है, आगे क्या लिखा, वो कह रहे हैं कि आपको कोई राइट नहीं है। क्या उसको राइट है मुझे गलत बोलने का? उसको किसने राइट दिया? वो बोलता है तो उसको राइट है और हम उसकी धुलाई करते हैं बोलने पे? ये एक मेरी बात नहीं है, ये हर औरत के मान सम्मान की बात है। अगर कोई सरकारी नुमाइंदा, सरकारी अधिकारी ऐसा करता है तो कहाँ सुरक्षित है महिलाएं, कहाँ पे सुरक्षित है?
हेलो, हाँ नमस्कार जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम, पानी फिर से देखिए, किसी को शौक नहीं होता बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा करने का, किसी को शौक नहीं होता। और मैं कोई वैसे तो हूँ नहीं कि मैं लड़ाई झगड़े करती आ रही हूँ हमेशा से, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और मैं ये सब गुंडागर्दी करती हूँ। मैं एक ऐसी महिला हूँ जो हमेशा सबके दुख दर्द में हमेशा खड़ी रहती हूँ, जीव जंतुओं से प्यार करती हूँ, लोगों के बीच रहना मुझे अच्छा लगता है, सबके लिए काम करना अच्छा लगता है, लेकिन जब गलत होता है तो वो बर्दाश्त कभी नहीं होता। और ये सब सुन के ऐसा मेरा खून खोला, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं रह नहीं पाई। ये वो आदमी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसने गलत किया, बार बार उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसके पॉलिटिशियन मित्र जितने हैं, उसके वेल विशर, उनके कहने पे उसने ये सब चीज़ें की है। बाद में जब वो माफ़ी मांग चुका था, माफ़ी मांग के हमें लिखित में दे चुका था सारी चीज़ें, मैंने उसको उस पर दया दिखाई, माफ़ कर दिया, सब कुछ हो गया, फिर उसने वापस ये क्या रंग दिखाया। उससे उसकी जो घटियापन है, उसका घटियापन दिखता है। मैं उसको रिस्पेक्ट दे रही थी बाद में भी, मैं कह रही थी भाई साहब ठीक है जो हो गया कोई बात नहीं, आप अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ। और उसने मुझसे माफ़ी मांगते हुए ये भी कहा था कि आपकी रिस्पेक्ट करूँगा हमेशा, आपके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखूँगा हमेशा और हम मिल के काम करेंगे। लेकिन उसने बाद में ऐसी हरकत जो की है वो उसका घटियापन दर्शाती है। रामनिवास पुनिया जी कह रहे हैं कि आप किसी अधिकारी को पीटते, आपको किसने अधिकार दिया? उस अधिकारी को किसने अधिकार दिया जो वो हरकत करके गया है? उस अधिकारी को किसने अधिकार दिया? आप उससे पूछो जाके। सुंदर कान्हा जी कह रहे हैं आपको सत्ता का घमंड है। हम तो सत्ता में हैं तो भी हम नहीं कहते, लेकिन वो आदमी बार बार रणदीप सुरजेवाला के बारे में धमकियां देता था बीजेपी वर्कर्स को, और मार्केट कमेटी के दफ्तर जब ये लोग जाते थे उनकी इंसल्ट करके भेजता था, किसान जब जाते थे उसको जब पता चलता था बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो उसका अनाज खरीदने नहीं दिया जाता था, ऐसा व्यवहार उसने किया। वो बिना सत्ता में रहे सब कुछ कर सकता है, और हम सत्ता में रह के भी कुछ आवाज़ ना उठाए जो अन्याय है उसके खिलाफ।
पवन वर्मा, प्रवीण प्रवीण खुशलिया कह रहे हैं कि सारी हमदर्दी खो चुकी है आपके खिलाफ, आप अपनी हमदर्दी अपने पास रखें, मैं अपने खिलाफ गंदे जो शब्द है उसको नहीं सुन सकती, मेरा मान सम्मान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ें मैं कभी सहन नहीं कर सकती। सी आर चौधरी लिखते हैं कि सत्ता राज करने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए। मैं तो लोगों की सेवा ही कर रही हूँ और हमारा चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सब सेवा कर रहे हैं और हर रोज़ के हमारे जो कार्यक्रम होते हैं लाइव होते हैं उसमें दिखता भी है। हम लोगों को कोई सत्ता का घमंड नहीं है और ना ही हम राज कर रहे हैं। सुरेश पूनिया, शर्म करो कुछ तो, सुरेश पूनिया कुछ तो शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। तेरी बहन के साथ ऐसा होगा तो तू उसको फूलों की माला पहनाएगा क्या? भूपेंद्र सिंह राठौर, धन्यवाद आपका। नरेश राठौर, मारना ठीक नहीं है तो उस समय सिचुएशन यही थी, उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं था। जब उसका कंट्रोल नहीं था तो हम कैसे कंट्रोल करें? रजत शोरान, किसानों ने सही काम किया, ये किसानों को परेशान बहुत करते हैं। बिल्कुल करते हैं, आए दिन नए बखेड़े शुरू करते रहते हैं अपने फायदे के लिए। किसानों को तकलीफ सहन करनी पड़ती है। जा रहे हो? खाना बन गया? ठीक है, जाओ जाओ। अच्छा किया, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेगा। धन्यवाद आपका। जो भी सपोर्ट किया, जिन भाइयों ने जिन साथियों ने मुझे सपोर्ट किया, उनका सभी का धन्यवाद करती हूँ, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। सिकंदर चौहान जी, धन्यवाद आपका। राम कुमार सराव, राधे राधे, विकास चौधरी, अनिल मांझू, और ऐसे होते हैं जनसेवक। और क्या तुम्हारे जैसे होते हैं अपनी बहनों को मतलब गालियां सुनते हुए आप देख सकते हो? अपने घर की औरतों को गालियां सुनते हुए देख सकते हो क्या? गंदे शब्दों को सुनते हुए आप रह सकते हो?
like this logic or मुखराम गुदारा। आप मुझे गलत कह रहे हैं कि मैंने गलत किया, उस आदमी को किसने अधिकार दिया ये सब कहने का महिला पॉलिटिशियन के बारे में? राजेश सिद्धार्थ कह रहे आदमपुर की जनता माफ नहीं करी। आदमपुर की जनता को तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए, मैं तो किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही हूँ आदमपुर के लोगों के लिए, तो कम से कम उनको तो ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन वो लोग ना कहें, कुछ जो आप जैसे लोग हैं जो अंधे भक्त हैं कुलदीप बिश्नोई के, वो ज़रूर ये बात कहेंगे। राजेंद्र खरीडुआ जी कहते हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आज आपने कार्यकर्ताओं को सरकार होने का एहसास करवाया है। आज आपने कार्यकर्ताओं को सरकार होने का एहसास करवाया है।
Thank you.
कह रहे हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ इसका नुकसान आप ही को होगा, तो नुकसान भुगतने को तैयार हूँ मैं, ऐसे तो सुनूंगी थोड़ी ना किसी की। हाँ, कोई भी महिला नहीं सुन सकती।
जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बुरा किया, उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपकी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा तो आप बर्दाश्त करोगे क्या? बस इस बात का जवाब दे देना। अगर आपकी माँ और बहनों के साथ ऐसा बर्ताव होता है तो क्या आप उनको फूलों की माला पहनाएंगे, उनका फूलों से स्वागत करोगे? हम लोग तो नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती। जो ऐसा बोलता है, जो ऐसा करता है, उसका जूतों से ही स्वागत होना चाहिए। बस यही कहना है मुझे। जो मेरे सपोर्ट में है वो आइए सपोर्ट करिए, और जो सपोर्ट नहीं करना चाहते वो शायद अपनी माँ बहनों की इज्जत की उनको कोई परवाह नहीं है।